हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अफशास किचन। आज हम बनाएंगे आलू कबाब। फ्रेंड्स, बनाने से पहले मेरी गुजारिश है, अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आप क्या पसंद करते हैं, आगे क्या खाना चाहते हैं, तो मैं आपकी फरमाइश पर रेसिपीज बनाऊंगी। फ्रेंड्स, आलू कबाब बनाने के लिए चाहिए 3 उबले हुए आलू ले लेंगे। उसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 3-4 हरी मिर्च काट लेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद कोरिएंडर पाउडर ले लेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 चम्मच राइस फ्लोर ले लेंगे, या आप वो भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लावर। और अजवाइन ले लेंगे आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 प्याज को बारीक काट लेंगे और 1 टमाटर काट लेंगे, धनिया के पत्ते ले लेंगे और 1 कप बेसन ले लेंगे, बेकिंग सोडा ले लेंगे और तेल ले लेंगे पकाने तलने के लिए। फ्रेंड्स, आलू को पहले हम मिक्सचर बना लेंगे। तो सबसे पहले आलू ले लेंगे, को अच्छे से मैश कर लेंगे, थोड़े गर्म ही अभी। आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, उससे जो होता है उससे भी कर सकते हैं थोड़ा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जीरा, चाट मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, जैसे कबाब बनते हैं उसी तरह बनेंगे, इसमें हम आलू शामिल कर रहे हैं, हरी मिर्च, नमक डाल लेंगे जितना आप खाते हैं। उसके बाद टमाटोज, थोड़े हरे धनिया के पत्ते ले लेंगे, प्याज ले लेंगे, लेमन जूस ले लेंगे, धनिया पाउडर ले लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड, चावल का आटा भी हम इसमें डालते हैं, सबको अच्छी तरह से डाल के मिलाइए, अच्छे से मिक्स कीजिए। बेहतरीन स्नैक के तौर पे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे ऐसे भी खा सकते हैं आप, रोटी चपाती के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं एकदम। फ्रेंड्स, हमारा आलू का मिक्सचर रेडी है, अब हम बेसन का घोल बना लेंगे। बेसन डालिए, इसमें थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके डालिए, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, नमक डाल देंगे और धनिया के पत्ते, थोड़ा सा और इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। दैट्स इट। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका पतला घोल तैयार करेंगे। अभी थोड़ा गाढ़ा है फ्रेंड, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, एकदम ज़्यादा भी पतला ना करें, थोड़ा डिप करने के लिए। लम्स नहीं होना चाहिए, एकदम बेहतरीन होना चाहिए, फ्री फ्लोइंग। फ्रेंड, हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया, अब तेल हम गरम करेंगे अच्छी तरह से। कबाब की तरह फ्राई करेंगे ये बेहतरीन तरीके से। बस इसको अच्छा कड़क गरम करें। फ्रेंड, हमारा तेल गरम हो गया, अब हम आलू की टिक्कियां बना लेते हैं, जैसा आप साइज चाहें, जैसे कबाब बनते हैं गोश्त के, आप जो वेजिटेरियन पर्सन हैं उस तरह का बना के खा सकते हैं। इसको डिप करेंगे, इसको हम हॉट ऑयल में डाल देंगे। फ्रेंड्स, को पलटा लेंगे हम, थोड़ा क्रिस्प हो गया करके, तो ये वाला ही पलटा लेंगे। फ्रेंड्स, को उलट पलट कर लेंगे हम, एक तरह से अच्छे से बढ़िया फ्राई हो गए।
जो डन हो गए उसे हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा तेज आंच कर दी मैंने। फ्रेंड्स हमारे आलू कबाब फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हमारे आलू कबाब बनके तैयार हैं। इसे आप कोई भी ओकेजन पे बनाएं, खिलाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।